हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बायो का एक पार्ट किए थे, तो आज जो है हम लोग फिजिक्स का एक पार्ट करेंगे। ठीक है, फिजिक्स का हम लोग जो अब करेंगे तो फिजिक्स में देखो बच्चों क्या था। फिजिक्स में हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो एट फर्स्ट हम लोग लर्न करेंगे कि फोर्स एंड प्रेशर क्या होता है उसके बारे में। सबसे पहले देखो हमें बच्चों बात करना कि फोर्स के बारे में, व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, देखो इसका कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा कि क्या था। इन आवर डेली लाइफ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ इन आवर डेली लाइफ वी अप्लाई फोर्स ऑन मेनी ऑब्जेक्ट, यानी कि हम अपने डेली लाइफ में हर एक चीज पे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे हम लोग व्हेन किक द फुटबॉल इट मूव्स, वो क्या होता है, मूव करने लगता है। व्हेन वी थ्रो स्पेस, वो मूव करने लगता है किसी। व्हेन ए क्रिकेटर फील्डर कैच द बॉल, तो वहाँ पे भी फोर्स, अलग अलग टाइप्स का फोर्स लगाते। देखो बाइसाइकिल चला रहे, फुटबॉल। तो हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे फोर्स का अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। ठीक है, मैनी साइकिलिंग एट दिस चैप्टर वी विल ऑल, तो इन दिस चैप्टर हम लोग बहुत सारे इसी सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या है, क्या उसका लक्षण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सोन हम लोग सारा चीज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट इज दैट, नेक्स्ट जो है बच्चों देखो, अब जो नेक्स्ट है जो हम लोग करेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग को करना है स्टूडेंट्स, वो है फोर्स क्या होता है। सबसे पहले तो फोर्स का डिफाइन अगर जो हम लोग पढ़े स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, ए पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। देखो किसी भी चीज को, यानी कि हम खींचते हैं या तो धक्का देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। अब पुश का मतलब क्या होता है बच्चों, पुश रिफर्स टू द टेंस द मूव द ऑब्जेक्ट अवे। पुश मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप धक्का देना, जैसे हम इसे यहाँ से इस तरह से धक्का दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमसे अवे दूर जाएगा। पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, इसे हम धक्का दिए तो ये अब कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या था स्टूडेंट्स, ये जो था क्या था, पुश यानी कि हम इसे क्या दे रहे थे बच्चों, धक्का दे रहे थे इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या था। आफ्टर देन जो था बच्चों, देखो आफ्टर देन पुल, पुल क्या होता है बच्चों, अब पुल क्या होता है कि किसी चीज को अपने ओर खींच रहे, जैसे इसे इधर हम अपने ओर खींच लिए तो ये अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया, देखो इस तरह से हम खींच लेते हैं अपने ओर, इसे हम खींच रहे अपने ओर। तब पुश मतलब क्या होता है कि पुश मतलब फॉर, पुश जो होता है, पुश रिफर्स टू टेन द मूव ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स, यानी कि अपने ओर आता है। तब फोर्स, पुश क्या था बच्चों, पुश जो था रिफर्स टू टेन मूव थ्रो अवे। ठीक है, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, यानी कि जिस अप्लाइड में डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करें उससे दूर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पुल, पुश हो जाएगा। अब पुल मतलब क्या होगा, हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उससे हमारे नजदीक आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई। देखो हम यहाँ पे खड़े थे, मान लो आप यहाँ पे खड़े थे और यहाँ से इसे अपने ओर खींच रहे थे, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या था बच्चों, पुल और पुश। ओके एग्जाम्पल, ओके स्टूडेंट्स, तो ना कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग जब लेते हैं पुश और पुल के बारे में। ठीक है बच्चों, कि व्हाट इज पुश। देखो सबसे पहले जो पुश का जो कुछ एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट, पुश का एग्जाम्पल है, देखो सबसे पहले जैसे पुश का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिए, तो क्या था, पुशिंग ए डोर ओपन। ठीक है, जैसे हम लोग दरवाजे को क्या करते, देखो इस तरह से धक्का दे रहे खुलने के लिए। यहाँ पे क्या था, मैन पुशिंग ए लैगेज ट्रॉली, देखो एक इंसान जो अपना लैगेज ट्रॉली को क्या कर रहा, धक्का दे रहा है। ठीक है, पुश कर रहा है। मैन इज हिटिंग ए फुटबॉल, देखो मैन एक जो है फुटबॉल को हिट कर रहा है। तो दीज आर दी ऑल दी एग्जाम्पल्स ऑफ पुश, यानी कि हम लोग धक्का किस तरह से दे रहे। ठीक है, किसी चीज को पुश करना। आफ्टर देन हम लोग जो है पुल के बारे में पढ़ेंगे, क्या स्टूडेंट्स, पुल। तो पुल देखो क्या था बच्चों, ओपनिंग द ड्रॉअर, जैसे हम यहाँ था ड्रॉअर को इस तरह से बनता, इसे हम इस तरह से क्या किया, खींचे अपने ओर। तो उसके बाद चाइल्ड पुलिंग वैगन्स, देखो जो बच्चे जो इस तरह से खींच रहे, एक क्रेन इज पुलिंग एन ऑब्जेक्ट, क्रेन देखो जो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है उसे क्रेन अपने ओर खींच रहा है। तो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ पुल। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज पुश एंड व्हाट इज पुल, यानी कि पुश क्या होता है और पुल क्या होता है, फोर्स क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ना जो हम लोग को करना था बच्चों, नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट वन जो करेंगे बच्चों, कि क्या क्या होता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था जो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि एज वी सी दैट द एवव केसेस टू और मोर ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट द फोर्स टू कम इन द प्ले, यानी कि दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहा था किसी भी फोर्स के लिए। ठीक है, जैसे हम एक को धक्का दे रहे, किसी चीज को हम खींच रहे थे, एक ऑब्जेक्ट हो जो हम खींच रहे, इस तरह से। देखो एग्जाम्पल, जैसे इन केस ए मैन इज पुलिंग हिज लैगेज, जैसे इन केस मैन जो अपना लैगेज पुल कर रहा था, इसमें क्या था, ट्रॉली
ठीक है, देयर इज द इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड ट्रॉली, यानी कि किसके किसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा था, मैन और ट्रॉली के बीच में। देखो यहाँ पे मैन और ट्रॉली दोनों इंटरेक्ट कर रहा है, इसी तरह से हम मान लिए ठीक है, बिटवीन मैन एंड ट्रॉली, द मैन इज अप्लाइंग पुश ऑन हिज ट्रॉली टू मेक द मूव फॉरवर्ड, यानी कि जो मैन था, जो इंसान था बच्चों, क्या था, अपने पुश कर रहा था, यानी कि धक्का दे रहा था ठीक है फॉरवर्ड आगे देने के लिए। तो यहाँ पे मैन ऑफ ट्रॉली के बीच में इंटर रहते, इसी वजह से, इसी तरह से हम एग्जाम्पल टू में हम देखे थे, इन द केस ऑफ क्रेन पुलिंग द ऑब्जेक्ट, क्रेन जो था ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा था, देर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्रेन एंड द ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है किसके किसके बीच में, क्रेन और ऑब्जेक्ट के बीच में, द क्रेन जो था अप्लाई कर रहा था फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट टू पुल इट अप, यानी कि उसे ऊपर उठाने में उसे क्या कर रहा था, वो फोर्स अप्लाई कर रहा था। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होना जरूरी है, जब तक दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, देन वहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे तभी तो जैसे हम चल जो पाते हैं उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, क्यों, फोर्स की वजह से। और जैसे केले के छिलका हो गया तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे हम जमीन पे चलते हैं तो बच्चों वहाँ तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, वो हमारा अपोजिट में फोर्स लगाता है। बट एज कम्पेयर टू जैसे कोई वायली चीज़ हो गया या केले का छिलका, वहाँ पे हम पैर रखते तो अपोजिट में वो फोर्स नहीं लगा पाता, जिसकी वजह से हम लोग क्या होते हैं, फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना था। नेक्स्ट जो था बच्चों, नेक्स्ट जो हम लोग को करना था, देखो बच्चों टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे ठीक है स्टूडेंट्स, कि फिजिक्स किसी तरह से फोर्स के बारे में थोड़ा और हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट F1 F2, देखो यहाँ पे जो था दो ऑब्जेक्ट मिलकर किसी हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है, देखो दो तरह का फोर्स होता है, एक रिजल्टेंट फोर्स और एक होता है कॉन्स्टेंट फोर्स ठीक है बच्चों। तो अलग अलग हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट जो है F1, दोनों तरह से, अब जो होता है ना, हम बताया अभी कि जो फोर्स होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग से भी लगता है ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स लिए स्टूडेंट्स, इधर से देखो दो लोग मिलकर इसे क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो ये नहीं हिल पा रहा, डैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो है ना इधर से ये धक्का दे रहा था, जो ये ऑब्जेक्ट है ये भी अपना फोर्स लगा रहा है, ये भी अपना फोर्स लगा रहा है स्टेबल होने के लिए। अगर जो हम कोई चीज़ अपने ओर कब खींच पाते हैं, जब इसका फोर्स जो होता है इससे हम ज़्यादा फोर्स लगा दिए, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ट्रॉली कोई भारी चीज़ हो गया, आप इमेजिन करते कोई लगेज हुआ तो हाथ में नहीं उठा पाते, क्यों, और जो उसका 10 kg वजन है आप उससे कम फोर्स लगा रहे तो नहीं उठा पाते, वही दो मिल लोग के उसे क्यों उठा लेते हैं, क्योंकि उससे हम फिर ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं एज उसके कंपेयर में। डैट्स वाई स्टूडेंट्स क्या होता है, हम उसे उठा पाते हैं। तो यहाँ से आप लोग आई होप कि समझ पा रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट किस तरह से एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है ठीक है बच्चों। तो यही से हम लोग था जो हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले था फ्रॉम द एबव फिगर वी कैन अंडरस्टैंड द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, ये जो फिगर इससे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि लक्षण। सबसे पहले लक्षण था फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फोर्स जो होता है बच्चों उसके अंदर दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि दिशा भी होता है उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है। केस फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स देखो F1 और F2 जो था दोनों जो था क्या लेफ्ट में लगा रहा था। केस सेकंड में क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 और F2, डायरेक्शन ऑफ F1 इज लेफ्ट टू डायरेक्शन ऑफ F2, देखो दोनों अलग अलग दिशा में फोर्स लगा रहा था, तो इस तरह से था डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2। तो यहाँ से हम लोग पढ़ा कि फोर्स के अंदर किस तरह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लग रहा था। मोर देन वन फोर्स कैन बी अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट, यानी कि मोर देन वन फोर्स, एक से ज्यादा फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड हम लोग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हम डिटेल में आपको देखो समझा रहे हैं। आगे जो था बच्चों, फोर्स अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन एंड इच अदर, फोर्स को एक ही डायरेक्शन में, फोर्स अप्लाइड इन द सेम एक ही डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट के ऊपर लग सकता है, बताए इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, और जब हम एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे तो क्या होगा, फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम टोटल फोर्स अप्लाइड हैवी, जैसे देखो हम किसी एक, जैसे हम दो लोग मिलकर लगा रहे हैं तो F1 + F2 जो टोटल फोर्स लगेगा वो क्या होगा बच्चों, दोनों मिला के लगाएंगे तभी तो किसी चीज को उठा लेते हैं। अब जब हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में, इमेजिन करो कि हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं किसी भी फोर्स को, तो क्या होगा, इफ द फोर्स अप्लाइड, देखो यहाँ पे दिया हुआ कि इफ फोर्स इन अप्लाइड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होगा जब नेट फोर्स कितना लगेगा, दोनों द फोर्स टेंड टू द मूव इन द डायरेक्शन इन द ग्रेटर फोर्स, यानी कि जिसमें ज्यादा, जिस हिसाब से ज्यादा, जैसे इधर से फोर्स का देखो ऐसा न्यूटन होता है बच्चों, इधर से हम बोले कि आप 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं इधर से ठीक है, और इधर से जो था बच्चों, इधर से 10 न्यूटन कोई फोर्स लगा रहा था, 10 न्यूटन फोर्स इधर से हम लगा रहे थे, तो जो है किधर जाएगा, आपका फोर्स जो था इसका क्या था, मैं कम था मैग्नीट्यूड, तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये कोई ऑब्जेक्ट है बाहरी, तो ये क्या होगा, इधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे ठीक है बच्चों। तो इस तरह से था कि अपोजिट डायरेक्शन, इन केस F1, तो देखो
आगे था बच्चों इन केस कुछ। अब सेकंड केस में क्या था बच्चों, जब हम किसी भी फोर्स के दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन लगा दिए इधर से, ठीक है, और दोनों का जो इक्वल फोर्स लग रहा होगा उसे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। और इन दिस केस क्या होगा, एफ वन इक्वल टू एफ टू द नेट फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट मूव इन एनी डज नॉट मूव एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। जैसे हम बोले अब वही यही ऑब्जेक्ट होता बच्चों, हम जैसे ये बोले कि यही एक कोई ऑब्जेक्ट था, यही पे कोई एक ऑब्जेक्ट था इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है। हम बोले इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे, इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे एंड इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, तो देन क्या हो रहा है, दोनों साइड जो है F1 इक्वल टू क्या हो रहा है बच्चों, F1 इक्वल टू F2। इन दैट केस दोनों केस में क्या हो रहा है, F1 जो था F2 के बराबर था बच्चों। इन दैट केस क्या होगा, जो ये ऑब्जेक्ट है अपने स्टेबल रहेगा, जहां है वहीं रहेगा, नहीं लेगा क्योंकि दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा था, दैट वाई F1 इक्वल टू F2। ओके बच्चों, अब वही हम बताए थे कि आगे हम कभी कंडीशन आपके लिए बताए थे, ठीक है स्टूडेंट, कंडीशन बताए थे देखो ये दे रखा कि अगर जो F1 ज्यादा लगाएगा तो ऑब्जेक्ट जो है क्या होगा, F1 माइनस F2 के और F1 के ओर चला जाएगा राइट डायरेक्शन में, अगर जो F2 ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा। अभी हम बताए थे ना एग्जाम्पल के से कि एक इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था इधर से, और कोई एक इधर से लगा रहा था 10 न्यूटन का फोर्स। जब इसका फोर्स ज्यादा है तो जो ऑब्जेक्ट जो है कहाँ आ जाएगा, इस साइड, ये इधर का फोर्स लगा रहा था इधर आ जाएगा, इमेजिन करो इसे उल्टा करके लगाए तो इधर का आ जाता। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन फोर्स चेंज इट इफेक्ट्स आल्सो चेंज, यानी कि आप किसी भी, देखो अब हम ये पढ़ रहे थे कि किसी भी मैग्नीट्यूड जो होता है, किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन में चेंज आता है तब उसका जो इफेक्ट जो होता है फोर्स का इफेक्ट वो भी चेंज होता है, यानी कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का डायरेक्शन का वो चेंज होता है तो उसका इफेक्ट में भी प्रभाव आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से था। अब कैसे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कैसे चेंज आता है, देखो जैसे बच्चे, जैसे यहाँ पे हम बेस्ट एग्जांपल लिया कि एक बॉलर था वो बॉलिंग कर रहा, बॉलिंग किया तो कुछ एक अलग फोर्स लगाया, बॉल किया बेस्टमैन के पास गया, बेस्टमैन उसे हिट किया, फिर ज्यादा फोर्स से लगाया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हुआ, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड, जब डायरेक्शन चेंज होता है तो क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, इस तरह से इफेक्ट भी चेंज होगा, ज्यादा तेज में आए। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या बता रहे थे। ए चेंज इन आइदर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और द बोथ डिस्क्राइब चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स कैन बी चेंज इन स्टेट। देखो हम ये बताए कि आइदर जब उसका स्पीड चेंज होगा तो उसका क्या होगा बच्चों, मोशन में भी चेंज होगा। फोर्स कैन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो फोर्स होता है उसका स्टेट भी चेंज होता है, वही हम बता रहे थे। ए चेंज आइदर द, यानी कि उसका अगर जो स्पीड चेंज होगा, इट डिस्क्राइब द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द मोशन, फोर्स कैन भी चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो फोर्स होता है किसी भी मोशन ऑब्जेक्ट स्टेट का भी चेंज करेगा। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है, वही बेस्टमैन और बॉलर का, ये स्पीड आया, अब उसका जैसे ये किया जितना तेज होगा, फिर बेस्टमैन यहाँ से किक किया ज्यादा स्पीड से किया तो इसका स्पीड भी ज्यादा बढ़ गया, तो इसका स्टेट मोशन में भी चेंज हो जाएगा। कोई बॉलर था उसे रोका, फोर्स लगा तो उसका रेस्ट पोजीशन में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमें, देखो यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में ये जो क्या क्या लिखा हुआ है आपको हम पढ़ा रहे समझा रहे। देखो क्या था, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिम केस। देखो क्या था, क्रिकेट बॉल इज इनिशियली पहले रेस्ट में था, बॉलर उसे उठाता है और बॉलर उसे उठाता है टुवर्ड्स द बेस्टमैन, बेस्टमैन को फेंकता है, ठीक है, तो द बेस्टमैन जो क्या करेगा, हिट करेगा उसे एंड एनी द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द हैपन का, द बेस्टमैन हिट द बॉल वेरी हार्ड सच इट गो फ्लाइंग इन द एयर फॉर ए सिक्स, और जो ज्यादा से हिट करेगा तो क्या होगा बच्चों, सिक्स जाएगा। द बेस्टमैन हिट द बॉल सच दैट इट गोज बाउंड्री के पास जाएगा, द बेस्टमैन हिट द बॉल एंड द बॉलर कैच इट, यानी कि उसे पकड़ भी सकता है, द बेस्टमैन सी डिफेंस सच दैट द रन ग्राउंड एंड द शॉर्ट डिस्टेंस जाएगा, उसे का जो डिफेंस करेगा तो छोटा, यानी कि देखो बेस्टमैन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस हिसाब से फोर्स लगाया, बॉल का पोजिशन भी उसी हिसाब से जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला बच्चों कि हम लोग जिस हिसाब से फोर्स के ऊपर, हम जो किसी भी चीज के फोर्स में मोशन में ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे उसका मोशन या फोर्स उसी हिसाब से आएगा, ठीक है, हम इससे पता चल, द बॉल जो था इनिशियली चेंज हो रहा था, इफ द स्पीड 0 मीटर पर सेकंड होगा, बॉल जो है फिंगर के पास 0 मीटर पर सेकंड का था उसके बाद फेंका, ये सारा हमें डिटेल में देखो इसी के बारे में पढ़ना था ना। हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चों क्या 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 हो सकता है, फोर्स कैन चेंज द शेप, अब फोर्स के वजह से हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या अफेक्ट हो सकता है, क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो एट फर्स्ट सबसे पहले हम ये बता रहे थे क्या कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सम केस, किसी भी शेप में अब फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है ना
किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है। जैसे व्हेन वी मेक ए रोटी नी डफ, यानी कि हम देखो रोटी बनाते हैं क्या होता है, फोर्स उस पर लगाते हैं, आटा पहले गोल होता है, फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाता है अलग फोर्स में। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लीड ऑफ द पेंसिल इट ब्रेक्स, और जब पेंसिल के लुक पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, पेंसिल जो होता है बच्चों क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये था केस कंडीशन के अलग अलग क्या हो सकता है। व्हेन द इलास्टिक इज पुल्ड हार्ड इट एक्सपेंड एंड लॉज इट्स इलास्टिसिटी, यानी कि किसी भी इलास्टिक रबड़ हो गया किसी को हम ज्यादा खींचेंगे क्या हुआ, टूट जाता तो उसका शेप चेंज हो गया। तो ये था बच्चों की कोई भी फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है। आफ्टर देन जो देखो था बच्चों, यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिला कि किसी भी हम लोग जब भी पढ़ रहे थे कि फोर्स की वजह से क्या क्या प्रभाव हो सकता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या प्रभाव हो सकता है बच्चों, देखो यही है कि फॉर एवर डिस्कशन वी समराइज डैट फोर्स कैन बी फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सबसे पहले क्या, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे बेस्टमैन जो हिट कर रहा था ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है स्पीड का। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे बेस्टमैन जितना हार्ड फेंक रहा था उस हिसाब से जाएगा बॉल को, जितना किक ज्यादा करेगा आप फुटबॉल खेले जितना हार्ड ज्यादा किक मारेंगे ज्यादा दूर जाएगा कम, तो उसका क्या कर सकता है डायरेक्शन ऑफ चेंज कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। फोर्स कैन मूव ऑब्जेक्ट रेस्ट इन द रेस्ट पोजिशन, यानी कि देखो क्या था, फोर्स जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजिशन में ला सकता है, रेस्ट से मोशन में ला सकता है, बट मोशन से और रेस्ट पोजिशन में भी ला सकता है दोनों। जैसे बॉलर था कोई अब कैच जो था फील्डर है वो किया और तो उसे कैच कर लिया तो क्या था, वो मोशन में था पहले बॉल और उसे रोक लिया तो रेस्ट पोजिशन में हो गया। तो दीज आर दी फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द फोर्स, फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये सब प्रभाव हो सकता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या हमें करना था। ओके स्टूडेंट्स, ना जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फोर्स देखो बच्चों क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स जो फोर्स जो होता है बहुत तरह का, एक तो होता है दो तरह का। सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स होता है क्या होता है बच्चों, देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स का। कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है जो फोर्स दैट इज अराइव बिटवीन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट के वजह से जो फोर्स लगता है वो क्या होता है बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर फोर्स जैसे हम देखो यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो कॉन्टैक्ट से यहाँ से फोर्स लग रहा है तो हमारा मसल्स एक्सपेंड होता है, तो इस वजह से जो क्या था ये कॉन्टैक्ट फोर्स था। फ्रिक्शन फोर्स होता है जैसे हम चल रहे थे गाड़ी चल पाती है तो टायर हो गया या हम जो चलते ठीक है किसी ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन होता है तभी हम चल पाते हैं, तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स था। देखो मस्कुलर फोर्स में था, मस्कुलर फोर्स इज द टाइप्स ऑफ फोर्स वेन यूज आवर फिजिकल स्ट्रेंथ टू चेंज द न्यूट्रिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सॉरी देखो हम बताते हैं मस्कुलर फोर्स हमारा कहाँ लगता है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर। हम जब एक्सरसाइज करते हैं जैसे मैनिक पुशिंग ए कार, ब्लॉक्स पुलिंग ए कार्ट, रोड साइकिलिंग बेइंग, ये सब दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। ओके बच्चों, ये मस्कुलर फोर्स जो है किसका एग्जाम्पल था स्टूडेंट, मस्कुलर फोर्स जो था किसका, यह है कॉन्टैक्ट फोर्स का। आफ्टर देन हम लोग पढ़ेंगे बच्चों देखो फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जब दो बॉडी दो सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट का जो फोर्स लगता है, ए फोर्स एक्ट ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट दैट सरफेस विच इट कॉन्टैक्ट विथ, यानी कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस के कॉन्टैक्ट की वजह से जो फोर्स लगता है दोनों ऑब्जेक्ट का वहाँ पे जो होता है क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स। एग्जाम्पल जैसे ए बॉल ऑन द ग्राउंड इन कॉन्टैक्ट द फ्रिक्शन बाय द ग्राउंड सरफेस, जैसे बॉल जो है ग्राउंड पे जा रहा है तो दोनों बीच में जाते रहा फिर एक समय आता है धीरे धीरे रुक जाता है, क्या होता है बॉल और ग्राउंड के बीच में क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स लग पाता है। इसी वजह से द फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमेशा अपोजिट लगता है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स के। तभी तो हम बताए थे कि हम चल पाते हैं, जैसे हम चलते हैं इधर जाते हैं तो हमारा जो जमीन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तभी तो हमारा पीछे पैर जाता है और तभी हम चल पाते हैं। अदरवाइज क्या होगा बच्चों, हम लोग फिसल जाएंगे अगर जो वायली मटेरियल इसी तरह से हो गया। आर आर स्टूडेंट समझ में, तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स था। देखो यहाँ पे ड्यू टू द पैडिंग की वजह से भी फ्रिक्शन फोर्स किस तरह से लगता है, हम पानी में हो हमारा अपोजिट डायरेक्शन होता है तभी नाव हमारा आगे बढ़ता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या हमें पढ़ना था फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। आफ्टर देन हमें जो पढ़ना था देखो बच्चों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि बिना कोई दो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट हुए में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका एग्जांपल हो गया देखो बच्चों, फोर्स डेट कैन बी विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट डेट आज कॉल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का था एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जैसे चुंबक हो गया, कोई ऑब्जेक्ट दूर से मैग्नेटिक सब्सटेंस से मैग्नेट यहाँ रखे दूर से उसे खींच लेता आपने और तो बिना कॉन्टैक्ट किए उसके बीच में फोर्स लग रहा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स था। ओके बच्चों, फोर्स अट्रैक्ट सर्टेन मेटल ऑब्जेक्ट जैसे आयरन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी द फोर्स एग्जैक्ट
वाई चार्ज बॉडी की वजह से जो फोर्स लगता है, ठीक है बच्चों। अनदर चार्ज बॉडी, जैसे टेक ए कम ऑफ द ब्रश ऑफ द हेयर थ्री और फोर टाइम्स, देन यू टेक द नियर द स्मॉल बिट्स ऑफ द पेपर। देखो जैसे ये दो बॉडी चार्ज, जैसे हम जैसे क्या था ना बच्चों आपको हम समझा रहे थे, जैसे टेक ए कम यानी कि कम ब्रश लो, दो तीन बार अपने बाल में रगड़ो, इस तरह से हम कम करेंगे, फिर उसे किसी पेपर के साइड ले जाओ तो पेपर को थोड़ा अपने क्या करता है खींच लेता है। तो ये जो कारण होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होता है, ठीक है बच्चों। कम जो है क्या, क्योंकि वो चार्ज होता है, बिकॉज द रबिंग योर हेयर अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट लाइक पेपर, रबिंग हेयर इस तरह से तो खींच रहता है, इसी वजह से हमारा नॉन क्वांटिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या था। आफ्टर जिन जो था बच्चों, देखो इस तरह से एग्जाम्पल दे रखा है, आफ्टर दिन जो था बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता होता है ड्यू टू अर्थ ऑफ ग्रेविटी, किसी भी चीज को जैसे हम ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से गिराया तो अर्थ की उसे अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है पृथ्वी, ठीक है, जमीन की ओर गिरता है, द फोर्स अट्रैक्ट बाय अर्थ उसे हम लोग क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन द बॉल इज थ्रोन अप इट फॉल्स द ग्राउंड बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से नीचे गिर जाता है। वाटर फ्रॉम द टैप टैप ऑलवेज फ्लो टुवर्ड द डाउनवर्ड बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जमीन जैसे नल का जो पानी होता है कोई भी चीज नीचे की ओर क्यों गिरता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसके वजह से स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ में आ रहा हो कि क्या करना था। आफ्टर देन जो है देखो बच्चों, हम लोग जो फोर्स के बारे, ये तो फोर्स के बारे में पढ़े, अब हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़े। फ्रिक्शन को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ कहाँ पे अप्लाइड होता है, तो हमारा जहाँ हमारा व्हीकल्स हो गया, ठीक है, जहाँ व्हीकल्स हम लोग जैसे, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से जैसे हम व्हीकल्स चला रहे, रोड गाड़ी चलता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड होता है। ओके स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड होता है। आफ्टर देन हम लोग जब चल पाते हैं, वॉकिंग हम लोग चल रहे हैं, वहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड होता है। ओके बच्चे, अब फ्रिक्शन की वजह से क्या क्या प्रभाव, हम लोग फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वाइलिंग जैसे फ्रिक्शन की वजह से कुछ हार्मफुल भी है, ठीक है, जैसे गाड़ी चल रहा था फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अब साफ्ट मूव कर रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा हार्मफुल होगा, तो हम उसे फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, वाइलिंग हो गया, वाई ग्रीसिंग हो गया, ठीक है, वहाँ पे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, तो ये सब था। बाकी जो हम लोग बच्चों देखो हमारा, आपको हम जैसे बता रहे थे कि फोर्स एंड प्रेशर दो था, तो हम लोग जब जो प्रेशर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, फोर्स पढ़ लिया, प्रेशर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, प्रेशर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आज जो फोर्स के बारे में आप लोग को जितना डिटेल में कराया आपको समझ में आ रहा होगा, और जैसा आया आपको समझ में आया नहीं हमें कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।